इस वक्त हो गया है समय नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन आपको बता दें उससे पहले एक बड़ी खबर। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाला बिल तैयार कर लिया है। यह बिल अगले विधानसभा सत्र में पेश होगा। फिलहाल इसे दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर डाला जाएगा ताकि लोगों का फीडबैक लिया जा सके। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वायदा किया था। अंकित त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकित, पूरी खबर बताएं। जी, ये जैसे आपने बताया निशांत से कि बड़ा इनका आम आदमी पार्टी का ये बहुत बड़ा प्रॉमिस था कि वो दिल्ली को फुल स्टेट बनाएंगे। ये बिल सरकार ने दिल्ली बिल 2016 तैयार किया है, जिसको अब जल्दी अगले 2 से 3 दिन में दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर डाला जाएगा, जिससे कि लोगों का फीडबैक लिया जा सके। साथ ही साथ है सेंटर का, इसी को लेकर वो इस मियाद को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो सूत्र है दिल्ली सरकार में, उन्होंने ये भी बताया है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से भी इस पर बातचीत होगी। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है सेंटर के ऊपर, क्योंकि बीजेपी जो कहती रही है कि दिल्ली को फुल स्टेट बनाना है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो एक से अरविंद केजरीवाल दबाव बनाना चाहते हैं, और अगर ये बिल नहीं हो इसका ठीक राह दोबारा बीजेपी और सरकार केंद्र सरकार पे फोड़ेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।